हेलो नाइन स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। एंड दिस इज शुभम, और मैं लेके आ चुका हूँ नाइन स्टैंडर्ड मैथ्स 2 का नाइन्थ चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का वन शॉट आईएमपी। तो इस सेशन के अंदर इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन हम लोग वो कवर करने वाले जो एग्जाम के अंदर आपके 90% से ऊपर आने वाले चांसेस है। तो इसको छोड़ना मत, मिस मत करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अपना टारगेट है यूट्यूब का 20K सब्सक्राइबर तक पहुंचना, और इस वीडियो के ऊपर एटलीस्ट 1 लाइक 1000 लाइक आने चाहिए दोस्तों। तो जितना हो सके आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चलो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस में हम लोग पहले देखेंगे सबके फॉर्मूलाज, कौन से फिगर के, कौन से शेप के, कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, और उसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से आपको ध्यान देना है, गाई गड़बड़ नहीं करनी थोड़ी भी। तो पहले सबसे है वर्टिकल सरफेस एरिया। अब देखो क्यूबॉइड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग क्यूबॉइड के वर्टिकल सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो क्यूबॉइड का वर्टिकल सरफेस एरिया माने तो क्या, आपको पता क्यूबॉइड में देखो ये वाले जो साइड वाले शेप्स होते हैं, मान लो कि ये बॉक्स है, तो इसके जो साइड के शेप होंगे, साइड के मतलब मान लो एक क्यूबॉइड है आपका, तो ये वाला, फिर इधर वाला और फिर इधर वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे, वर्टिकल सरफेस एरिया। वर्टिकल सरफेस एरिया में ये वाला ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस ऐड नहीं होता है, सिर्फ साइड वाले, इसको बोलते हैं वर्टिकल सरफेस एरिया। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो वर्टिकल सरफेस एरिया में ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला इधर वाला आ गया, और पीछे वाला आ गया, ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं आएगा। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो मैं बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, टू लिखने का, फिर ब्रैकेट करने का, फिर लिखने का आपको एल और प्लस करके बी लिखने का, या तो समझा। अब उस दोनों के साथ में मल्टीप्लाई किसको करने का, एच को कर देने का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है हमारा वर्टिकल सरफेस एरिया का फॉर्मूला फॉर द क्यूबॉइड। फिर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, तो ये भी बड़ा सिंपल है, जैसे मैं ट्रिक बता रहा हूँ वैसे आपको याद करना है, टू लिखना है, फिर आपको एल पी एच लिखना है, और सबके आगे प्लस लगा देना, ये कर दिया आपने। अब एल बी एच लिखने के बाद, अभी बी यहाँ लिखा है ना, इधर एक बार और बी लिखना है, एच यहाँ लिखा है, यहाँ पे एच लिखना है, और लास्ट वाले में लिख लेना है एल। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू, आगे समझ में। फिर होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो सबसे सिंपल फॉर्मूला है एल बी इंटू एच, एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बात समझ में आ गया। अब हाफ हम बात करेंगे इसके क्यूब की, किसकी बात करेंगे, क्यूब की, ठीक है ना। तो क्यूब देखो कुछ इस तरीके का दिखता है, आपको क्यूब पता है आप सभी को, क्यूब में सबसे पहले होगा वर्टिकल सरफेस एरिया। अब क्यूब में वर्टिकल सरफेस एरिया क्या होगा ये फाइंड आउट करते हैं। देखो वर्टिकल सरफेस एरिया में मैंने जैसे आपको पहले बता रखा है कि ये वाले जो सामने सामने पार्ट होते हैं, वर्टिकली जो पार्ट होते हैं वो आते हैं, बराबर कि नहीं, पीछे वाला ये, ऊपर वाला और नीचे वाला उसके अंदर नहीं आता है। आपको पता है क्यूब के अंदर टोटल 6 फेजेस होते हैं, उसमें से 4 फेजेस होते हैं वर्टिकल एरिया में, वर्टिकल मतलब ऐसे 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 और ऐसे, तो टोटल कितना हो जाएगा, एक एरिया का होता है एल स्क्वायर, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4L² टोटल सरफेस एरिया। टोटल 6 सरफेस होते हैं, 6L², और वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, एल का क्यूब, दैट्स इट, इतना ही था, ज्यादा नहीं है। ठीक है, अच्छे से फॉर्मूलाज आपको याद कर ले लेते हैं। नेक्स्ट अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर, बराबर, अब कोई फॉर्मूला बचा क्या, हाँ सिलेंडर के ऊपर। अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, देखो कर्व सरफेस मतलब ये सरफेस, इसको हम लोग कर्व सरफेस बोलते हैं, सिलेंडर का आपको दिख रहा है, इसको कर्व सरफेस बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर इंटू एच, एच हो जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर, और आर हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो वो हो जाएगा 2 पाई आर एच, दिस इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस क्या होता है, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले ये 2 पाई आर एज इट इज कॉपी करना, लो कर लिया, और अंदर ये वाला आर एक बार और लिखना है, और बीच साथ में क्या करना है, एच को प्लस करना है, 2 पाई आर आर प्लस एच, टोटल सरफेस एरिया। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, क्या आपको नीचे दिख रहा है सर्कल है, अब मुझे बताओ सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, और ये एरिया कितने हाइट तक फैला हुआ है, ये एरिया आप देखोगे कि सिलेंडर के एच हाइट तक फैला हुआ है, तो साथ में मल्टीप्लाई कर दो एच, और यही होता है हमारा वॉल्यूम, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फिर आता है बेस ऑफ सिलेंडर, मुझे बताओ बेस ऑफ सिलेंडर, मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, नहीं तो मैं अभी तो नहीं है अच्छे से कंप्लीट करता मैं आपके लिए, लेकिन हम करेंगे। बेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, बेस ऑफ सिलेंडर आपको पता, सर्कल जैसा दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे सर्कल जैसा, तो सर्कल है तो मतलब सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो बेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर। आई होप सो आपको स्क्रीन पूरा दिख रहा है अभी, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला आप अच्छे से कहीं लिख लो, और फटाफट अब हम इन पे करने वाले हैं
क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, अब देखो सबसे पहला सवाल हमारे सामने ये रहा, साइड ऑफ द क्यूब इज 4.5, क्यूब का साइड कितना दे रखा है 4.5, तो क्यूब का साइड मतलब एल आपको दे रखा है 4.5, करेक्ट है। साइड ऑफ द क्यूब कितना दे रखा है 4.5, मतलब एल का वैल्यू हो गया 4.5। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस, वर्टिकल फेसेस ध्यान रखना, वर्टिकल फेसेस, तो क्यूब का वर्टिकल फेसेस का सरफेस एरिया कितना होता है 4l का स्क्वायर, और फिर क्या लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया किसका क्यूब का, तो 6l का स्क्वायर, बस दोनों तो फॉर्मूला लगाना। तो सबसे पहले निकालेंगे सरफेस एरिया किसका, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, बराबर क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है 4l का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4l का स्क्वायर, करेक्ट है। 4 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l, आप देख पाओगे लेंथ ऑफ द क्यूब साइड दे रखा 4.5, ये हो जाएगा आपका 4.5 का स्क्वायर। अब आपको निकालना पड़ेगा 4.5 का स्क्वायर, तो 4.5 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे 4.5 इंटू 4.5। लेकिन मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, अगर किसी नंबर के पीछे 5 लगा हुआ है तो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका, जो भी पीछे लिखा है उसका आप स्क्वायर कर लो, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और मुझे बता 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 इंटू 5 कितना होगा 20, तो ये हो गया 45 का स्क्वायर, दैट इज द 22.5। ठीक है, 4 इंटू, अब मुझे बताओ एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो जब किसी नंबर में एक नंबर के बाद पॉइंट होता है तो उसका स्क्वायर करने के बाद दो नंबर के बाद पॉइंट लगाना पड़ता है, तो अब यहाँ पे पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो दैट इज 20.25 इंटू 4, करेक्ट है ना। तो 5 4 का कितना हो जाएगा 20, टू कैरी फॉरवर्ड ये हो जाएगा 10, 401 आ गया और ये 8 आ गया, बराबर, तो ये हो गया आपका आंसर 8100। लेकिन कितने नंबर के बाद पॉइंट है, देखो दो नंबर के बाद पॉइंट है 20, देखो फिर कितने नंबर के बाद पॉइंट है दो नंबर के बाद, तो यहाँ पे भी आपको दो नंबर के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा और आपका आंसर आ गया 81। हमने क्या निकाला, हमने निकाला है एरिया, और आप सभी को पता होगा एरिया का यूनिट क्या होता है, जो भी आपको सेंटीमीटर या मीटर दिया हुआ है उसके ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा स्क्वायर, कभी कभी किताब में ऐसा भी लिखते हैं हम लोग स्क्वायर सेंटीमीटर, तो जो भी आपको पसंद में आए आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। अब आपको पता है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अभी पढ़ा हमने फॉर्मूला 6 टाइम्स l का स्क्वायर, अब 6 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l, अभी पढ़ा l का वैल्यू कितना है, l का वैल्यू कितना है 4.5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ आप लोग कि 4.5 का स्क्वायर कितना होता है, अभी हमने देखा 20.25, बार बार क्यों निकालेंगे, अब आपको 20.25 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो देखो कैसा मल्टीप्लाई करना, 20.25 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 फाइव जा 30, 3 कैरी फॉरवर्ड, 6 टू जा 12, 12 और 3 हो जाएगा 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 इंटू 0 0 और 1 लिख देंगे और 6 टू जा 12, ये आ गया। दो नंबर के बाद पॉइंट लगाना, ये लगा दे दो नंबर के बाद हमने पॉइंट, बराबर कि नहीं, तो हमारा आंसर आ गया 121.50, और हमने क्या निकाला एरिया निकाला, और एरिया का यूनिट क्या होगा स्क्वायर, और सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है, इसके लिए हमने यहाँ पे लगा दिया सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया आपको, तो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, आपने अब तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर किया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बस मेरे खांसी से डिस्टर्ब मत होना आप लोग, ठीक है, आपका पेपर है, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा हूँ, बहुत दिनों से मतलब आप देख रहे हो वीडियो कम आ रहे चैनल के ऊपर होता है, बट स्टिल मैं फाइट करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 34.50 क्यूबिक मीटर, मतलब आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है, अगर आपको क्यूबॉइड के बारे में नहीं पता है तो क्यूबॉइड कुछ ऐसा दिखता है, आपको पता चल गया होगा डायग्राम देख के क्यूबॉइड क्या होता है, बराबर कि नहीं, तो वॉल्यूम दे रखा है क्यूबॉइड का, कितना वॉल्यूम दे रखा है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको वो दे रखा है आपको 34.50 क्यूबिक मीटर, मतलब मीटर का क्यूब, आप ऐसे लिख सकते हो क्यूबिक मीटर को, मतलब क्या लिख सकते हो मीटर का क्यूब, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं आप लोग, कितना दे रखा है 34.50, ये हो गया आपका वॉल्यूम। आगे देखते हैं, आपको ब्रिथ दे रखा है, ब्रिथ कितना दे रखा है 1.5, तो आपको ब्रिथ मिल जाएगा कितना 1.5 मीटर, मिल गया ब्रिथ, और फिर आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है हाइट, हाइट कितना दे रखा है आप देख सकते हो 1.15 मीटर, तो यहाँ पे आपको
हाइट मिल जाएगा 1.15 मीटर। और आपको निकालना क्या है, लेंथ। लेंथ माने तो क्या, लेंथ माने तो एल निकालना है। क्या निकालना है, एल। अब आपको देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको वॉल्यूम दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड, परफेक्ट, जिसने भी बताया सही बताया, कमेंट करके बताया एक लड़के ने, फ्यूचर में जाके देख लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सही है। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लेंथ, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ, तो वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ लेंथ, सो पुट एज इट इज। ओके, नाउ कैन यू टेल मी द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्रेथ, नाउ वी नो दैट द वैल्यू ऑफ ब्रेथ इज 1.5, सो पुट हियर 1.5, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट, दैट इज 1.15, सो पुट हियर 1.15। ओके, नाउ कैन यू टेल मी द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड एंड व्हिच इज इक्वल्स टू 34.50। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, दैट यू हैव टू डू वन थिंग, दैट कि यहाँ पे जितना भी दे रखा है मल्टीप्लीकेशन में, आप उस सारी चीजों को डिवाइड में लेके आना है। दैट्स मीन व्हाट, 34.50 डिवाइड बाय, भाई ये सारी चीजें डिवाइड में आ जाएगी, तो 1.5 इंटू 1.15, और यहाँ पे आपका सिर्फ लेंथ बच जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? नाउ आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलो मैं आपके लिए मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, 1.15 इंटू 1.5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 25, 2 कैरी 5, 7, और ये हो गया 5, पीछे 5, 1, 1, ठीक है। तो ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, 6 और 7 और ये 1, तो ये हो गया आपका 17.25, ये हो गया आपका 34.50, तो ऊपर लिखा हुआ है और नीचे हमें लिखना पड़ेगा 1725। बट वेट, इस चीज का ध्यान देना है, सारे स्टूडेंट या बहुत सारे स्टूडेंट पॉइंट देने में मिस्टेक करते हैं। मुझे बताओ इस वाले नंबर में कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, दो डिजिट के बाद पॉइंट है, और इस वाले नंबर में कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद। तो टोटल हम पॉइंट लगाएंगे 3 डिजिट के बाद, मतलब हमारा पॉइंट यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा डिजिट। बात समझ में आ गया आपको, दैट्स इट। अब आपको यहाँ पे लेंथ का वैल्यू निकालना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ। जब कैसे करोगे, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग को शांत रख के सॉल्व करना है। देखो मैं पहले काम करूंगा यहाँ पे पॉइंट हटाने का। अगर आप देखना चाहोगे कि अगर मुझे इस पॉइंट को हटाना, तो मुझे इस पॉइंट को यहाँ लेके आना पड़ेगा, मतलब मुझे इस पॉइंट को 3 डिजिट पीछे लेके आना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आपको पता है कि अगर मैं नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1, 3, 4, 5, 0, यहाँ पे इधर पॉइंट है, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1000 से, सही है। और मैं नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, 1000 से, दैट इज 1.1725 को भी मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ किससे, 1000 से। चलो इसको भी कर लेते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब एक बात का ध्यान, जब हम 1000 से मल्टीप्लाई कर चुके होंगे तो क्या होगा, जब हम 1000 से मल्टीप्लाई कर चुके होंगे क्या होगा, ये पॉइंट हमारा 3 आगे शिफ्ट होने वाला है, तो ये 3, 4, 5, 0 दो शिफ्ट हुआ, एक और शिफ्ट करने के लिए हमें एक जीरो और लगाना पड़ेगा। ये हो गया 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर वाले में, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे दो पॉइंट नंबर ही है, तो एक नंबर और जीरो ऐड करके आपको 3 बार शिफ्ट करना है। उसी तरीके से नीचे भी आपको शिफ्ट करना पड़ेगा 3 बार, तो वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, दैट इज 1725 आ गया, दैट्स इट, ये हमें लेंथ मिलने वाला है। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये वाले नंबर पे ध्यान देना, ये वाले इतने काउंट पे, अगर आप इस वाले नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो, किससे मल्टीप्लाई बाय करते हो, 2 से, तो आपको ये ऊपर वाला नंबर मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस वनजा एंड दिस टूजा, मतलब आपको मिल जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया 2 और नीचे क्या बच गया 0, तो आंसर मिल गया 20, और पीछे यूनिट लगाएंगे मीटर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ लेंथ। बात समझ में आ गया? तो देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी मल्टीप्लीकेशन पॉइंट्स वाले करने में दिक्कत आती है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, बट अगर किसी को जैसे मल्टीप्लीकेशन वगैरह करना आता है तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आप लोगों का ज्यादा टाइम बर्बाद हो। और अगर किसी को नहीं आता है तो प्लीज माइन्यूटली प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसके बाद आप लोग 10th में जाने वाले हो, 10th बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बराबर की। आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 20 मीटर, मतलब क्या, यहाँ पे हम एक सिलेंडर बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सिलेंडर टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, ओके, तो जस्ट एडजस्ट कर देना उसके साथ में। तो ये सिलेंडर थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, ठीक है सर।
ये सिलेंडर हमारा बन गया। अब नीचे का सिलेंडर का जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, तो ये लो रेडियस मैंने लिख दिया 20 सेंटीमीटर। और आगे क्या लिखा है, इट्स हाइट इज 13 सेंटीमीटर। हाइट मतलब ऐसा होता है ना सिलेंडर का, ये हाइट आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर आपको कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया और आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब हम पहले बात करेंगे कर्व सरफेस। अब कर्व सरफेस क्या होता है, ये वाला जो होता है, ये वाला जो गोल गोल ऐसे राउंड ऐसे राउंड, इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, देखो कर्व सरफेस थोड़ा ऊपर लेते हैं। ओके, कर्व सरफेस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब आप बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मैंने क्या बताया अभी आपको, वेरी गुड, 2 पाई आर इंटू एच, बराबर। अब देखो यहाँ पे पाई का वैल्यू आपको दे रखा है 3.14, तो आपको वही लेना है। तो पाई का वैल्यू कितना दे रखा है वही लेना है, मतलब कितना 3.14। आप अपने मर्जी से 22/7 नहीं ले सकते हो अगर यहाँ पे पाई का वैल्यू दे रखा होता पहले से। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना था 20 सेंटीमीटर, दैट इज 20। और हाइट कितना था 13 सेंटीमीटर, दैट इज 30, बराबर। अब इसको आपको सिंपली क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके अभी देखो 13 इंटू 2 26, और ऊपर का जीरो लगा दूंगा तो 260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 260, ये दोनों मिलके कितना हो गया, ये दोनों मिलके हो गया हमारा 260। उसके साथ में इसका अगर मैं 2 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 0 जा 12 जा 1 कैरी और 5, तो ये कितना हो गया 520। और अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना बच गया है, 3.14 से मल्टीप्लाई करना बच गया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 520 इंटू 3.14। पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 4 8, और ये हो जाएगा आपका 20, बराबर कि नहीं। फिर हम 1 से करेंगे तो 0 2 5, और फिर हम करेंगे यहाँ पे 3 से, तो 3 से करेंगे तो 3 0 6 और 15, तो ये हो जाएगा हमारा 0 8 2 7 5 1। तो मल्टीप्लीकेशन आ गया 1 5 7 2 8 0। और कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, देखो 2 नंबर के बाद पॉइंट, मतलब यहाँ पे हमारा कुछ पॉइंट आएगा, दैट इज 1 5 7 2.8। पॉइंट के बाद का जो लास्ट वाला जीरो होता है उसको आप हटा सकते हो। अब यूनिट देखो सेंटीमीटर में दे रखा है और हमने निकाला है एरिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, सिंपल दैट्स इट। अब हमें और क्या निकालना था, और हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब आप सभी को अभी मैंने समझाया था टोटल सरफेस एरिया क्यूब सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ, वेरी गुड। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच, सही बात है कि नहीं। अब मुझे बताओ फटाफट वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ पे। अब आप बताओ 2 पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू कितना था, आर का वैल्यू देखो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिखा है 20, और ब्रैकेट के अंदर भी आर तो है ना, ब्रैकेट के अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर अलग कलर से हम लोग लिख लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर हमारे आर का वैल्यू कितना है 20, और एच का वैल्यू कितना, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना था 30। ये हमारा हो गया काम खत्म, इतना ही है। अब इसको फटाफट आपको सॉल्व करना है, तो 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40, ये मैं पहले लिख लेता हूँ। फिर इधर कितना बच गया 3.14 बच गया, और अंदर देखो ऐड करो दोनों को 3 और 3 33। अब आपको मल्टीप्लाई करना, अब मुझे बताओ 4 इंटू 3 कितना होता है 12, 1 कैरी हो जाएगा। 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 और 1 कैरी 13, और इधर पीछे कितना बच जाएगा 3.14। अब इन दोनों को आपको बढ़िया से प्यार से ढंग से मल्टीप्लाई करना है, लेट से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे फटाफट 132। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 21448, मैंने देखो साइड में कर दिया आपके लिए, ठीक है फटाफट। अब 2 नंबर के बाद आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, वापस हमने एरिया निकाला, तो आंसर लिखते समय हम लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, क्यूब नहीं लिखना, क्यूब वॉल्यूम का होता है, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हुए दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डायमीटर ऑफ रोड रोलर, एक रोड रोलर है, क्या है, रोड रोलर है, और उसका डायमीटर जो है, रोड रोलर मतलब आपको पता सिलेंडर जैसा दिखता है ऐसा कुछ रोड रोलर दिखेगा आपको, बराबर कि नहीं, ये रोड रोलर ऐसा कुछ। ओके, अब जो डायमीटर है, डायमीटर का मतलब आप सभी को पता, डायमीटर मतलब ये पूरा डायमीटर, जिसको कॉल डायमीटर, कितना है रोड रोलर का डायमीटर 0.9 मीटर,
0.9 मीटर का डायमीटर है। तो मुझे बताओ अगर डायमीटर इतना है तो रेडियस कितना होगा? आप सभी को पता है रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो 0.9/2 ये हमारा हो जाएगा रेडियस ऑफ द रोट रोलर। बात समझ में आ गया? ठीक है आगे बढ़ते हैं। इट्स द लेंथ इज 1.4 मीटर। लेंथ मतलब उसकी लंबाई, मतलब जिसको हम हाइट भी बोल सकते हैं, ये 1.4 मीटर। ठीक है हाउ मच एरिया ऑफ द फील्ड विल बी प्रेस 1500 रोटेशन। मतलब अब रोड रोलर नहीं 500 बार घूमने वाला है, जब रोड रोलर 500 बार घूमेगा तो कितना एरिया कवर करेगा? तो पहले मुझे बताओ एक एक रोटेशन में रोड रोलर कितना एरिया कवर करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे उसका कर्व सरफेस एरिया। देखो ये वाला एरिया तो कुछ काम का नहीं है ना, रोड को समतल करने में सिर्फ कर्व सरफेस एरिया काम आएगा। तो पहले हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा, वो होगा एक रोटेशन में। तो टोटल कितने रोटेशन है? 500। तो कर्व सरफेस एरिया को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा कि भाई रोड रोलर 500 रोटेशन में कितने रोड को क्या करेगा, प्रेस कर चुका होगा, कितने एरिया के रोड को प्रेस कर चुका होगा। तो पहले हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, इसका रोड रोलर जो सिलेंडर जैसा दिखता है बराबर कि नहीं, तो सिलेंडर का लिख लेते हैं हम लोग। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है अब मुझे बताओ इस वाले क्वेश्चन में पाई का वैल्यू आपको दे रखा है क्या? तो अगर पाई का वैल्यू आपको नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो आप 22/7 ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। बात समझ में आ गया? क्या आपको यहाँ पे रेडियस का वैल्यू पता है? यस वी नो दैट रेडियस का वैल्यू 0.9/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, क्योंकि डायमीटर का हमने आधा किया था। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट? दैट इज द 1.4 मीटर। ये मिल गया, ये वन रोटेशन का जो भी आपका आंसर आएगा फाइनल आंसर, उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 500 से। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं अच्छे से। अभी देखो अच्छे से ध्यान देना, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अब 7 1 जा और 7 2 जा 14 तो होता है, लेकिन ये 1.4 है तो हमें एक नंबर के बाद वापस पॉइंट लगाना पड़ेगा, दैट इज 0.52 हो जाएगा। अब मुझे बताओ 0.2 × 22, अब मुझे बताओ 2 × 22 कितना होता है? 44। लेकिन 0.2 में 1 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा और इधर बच जाएगा हमारा 0.9। अब आपको 4.4 और 0.9 को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना सिंपली। तो कैसे करेंगे? 4.5 × 0.9 को मल्टीप्लाई करना, तो 9 4 36 3 कैरी, 9 4 36 और 3 39, 0 0 0 6 9 3, 2 नंबर के बाद, क्योंकि 4.4 में भी एक नंबर के बाद पॉइंट है और 0.9 में भी एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो आंसर हो जाएगा 3.96 मीटर। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर। आई थिंक मैंने इसमें कोई गड़बड़, तो ये आपको रोड रोलर का एक रोटेशन का एरिया मिला। रोड रोलर कितनी बार घूमने वाला? 500 बार। तो टोटल टोटल रोड प्रेस्ड, प्रेस मतलब कितना रोड चपटा करेगा, प्रेस्ड बाय रोड रोलर, रोड रोलर कितना रोड प्रेस करेगा? देखो टोटल 500 चक्कर काट रहा है और एक चक्कर में वो कितना प्रेस कर रहा है? 3.96। कितना प्रेस कर रहा है? 3.96। बात समझ में आया? तो 3.96 से मल्टीप्लाई करना है 500 से। तो पहले अगर मैं 2 जीरो, मतलब 2 जीरो मतलब क्या 100, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा? 5, और ये हो जाएगा 3.96। अब 3.96 को आप मल्टीप्लाई कर लो किससे? 5 से, तो ये हो जाएगा 33 कैरी, 45, 48, 4 कैरी, 15 और 19, 1980 मीटर का स्क्वायर, बिकॉज इट इज एरिया। बात समझ में आ गया? क्योंकि वो क्या है यहाँ पे? एरिया है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन ये वाला एग्जाम्स के अंदर आपके आ सकता है, तो इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाना मेरे तरफ से, इसको IMP करके लिख। ओके ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन में भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों के साथ शेयर कर दिया होगा वीडियो को, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, जो भी कर दो। आगे बढ़ते दोस्तों, डायमीटर ऑफ वेल, वेल मतलब कुआ, इज 4.20 मीटर, मतलब और डेप्थ इज 10 मीटर, और उसका होल कितना है, कितना अंदर है? 10 मीटर तक अंदर है, बराबर। फाइंड द इनर सर्फेस एरिया ऑफ द वेल, डायमीटर ऑफ वेल कितना? 4 पॉइंट, ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्लास्टरिंग इट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ 52 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। मतलब क्या है थोड़ा मैं समझाता हूँ। पर स्क्वायर मीटर मतलब एक कुआ है और एक कुआ को अंदर की तरफ से क्या करना है आपको? प्लास्टर करना है। अब उसमें से 1 स्क्वायर मीटर को प्लास्टर करने के लिए जो खर्चा आता है वो कितना आता है? 52 रुपीज का। कितने का खर्चा आ रहा है? यहाँ पे लिख के रखा 52। तो वैसे टोटल टोटल कुआ कितने स्क्वायर मीटर का पहले वो पता करना पड़ेगा, और अगर वो पता चल जाएगा तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 52 रुपीज से, तो हमें पता चल जाएगा कि उसको कलरिंग करने में हमें कितना खर्चा बैठने वाला है। तो बस इतना सिंपल सवाल है, चलो शुरू कर लेते हैं।
पहले हम क्या करेंगे, एक कुआ बनाएंगे। लो, ये कुआ बना दिया और कुआ को अंदर से हम लोग प्लास्टरिंग करने वाले। कुआ को थोड़ा बहुत तो मोटा होगा। अब कुआ का जो डायमीटर है वो कितना है, 4.20। डायमीटर मतलब ये, दैट इज 4.20 मीटर इज डायमीटर। बात समझ में आ गया? तो अगर डायमीटर 4.20 है तो आप बताओ रेडियस कितना होगा। अभी मैंने सिखाया कि रेडियस होता है डायमीटर का आधा, तो आप डिवाइड करोगे तो 2.10 मीटर आपको मिल जाएगा उसका रेडियस। रेडियस मिल चुका है, ठीक है। अब उसका डेप्थ, तो मतलब उसका हाइट कितना है, नीचे की तरफ हाइट कितना है, 10 मीटर का हाइट है उसका, ठीक है। ये हमें उसका हाइट मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या निकालना, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेल। वेल के अंदर का सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट। अब इस वेल के अंदर के सरफेस में आपको प्लास्टरिंग करनी, इनर सरफेस में। तो अब मुझे बताओ इसका इनर सरफेस मतलब क्या, इनर सरफेस मतलब ये वाले सरफेस में, इस पे प्लास्टरिंग करनी है सिर्फ साइड साइड वाले सरफेस में। तो मुझे बताओ ये वेल किसके जैसा दिख रहा है, ये वेल हमारे सिलेंडर के जैसा दिख रहा है। और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, आपको कर्व सरफेस एरिया वेल निकालना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया किसका, वेल का, और वो क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से सिलेंडर का हो जाएगा, दैट इज 2 पाई आर इंटू एच। बात समझ में आया? और उसको निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 55 से। तो पहले आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ द प्लास्टरिंग द वेल इनसाइड। पहले निकालना इनर सरफेस एरिया और फिर उसके बाद कॉस्ट निकालना है। तो पहले हम लोग निकाल देते हैं इनर सरफेस एरिया, तो वो हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया के फॉर्म में हो जाएगा आपका, यू कैन से दैट इनर सरफेस एरिया हो जाएगा, बराबर। अब कितना हो गया, 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू देखो कितना आया है 2.10, और हाइट कितना दे रखा है 10 मीटर। अच्छे से सॉल्व करना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2.1 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये 0.30 आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो ये पॉइंट को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू, ये हो गया मेरा 3। अब देखो 22 इंटू 2 कितना होता है, 44, और 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 4 3 कितना होता है 12, 1 कैरी, 4 3 12 और 132 स्क्वायर मीटर, और ये हो गया मेरा इनर सरफेस एरिया ऑफ वॉल। अब मुझे बताओ पर स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर्स को कलरिंग करने में कितना खर्चा आ रहा है, 52 का। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट मुझे बताओ कितना स्क्वायर मीटर को आप कलरिंग करवा रहे हो, 132 को, और एक का कितना है 52, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 132 इंटू 52, आपको मल्टीप्लाई करना है 4 6 2 0 5 2 10 1 कैरी, 15 16 1 कैरी 5 और 6, 4 6 8 6, दैट इज 6 8 6 4, और ये रुपीज है तो RS लिख देना पीछे, दैट इज 6,864 रुपये का आपको खर्चा आने वाला है। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बड़े क्वेश्चन में 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे अब हम बात करेंगे कोन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कोन के बारे में। आई होप सो कोन के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, क्या होता है कोन, क्या होता है। तो सबसे पहला सवाल आता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, देखो कर्व सरफेस एरिया मैंने जैसे आपको बता दिया कि ये जो ऊपर ऊपर वाला एरिया होता है, जो ऊपर वाला कोन ऐसा ऐसा, उसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, और वो होता है पाई इंटू आर इंटू एल। अब मन में सवाल उठेगा कि एल का मतलब क्या, तो एल को बोलते हैं स्लेंट हाइट, आर को बोलते हैं रेडियस, और एच को बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट। अब एल निकालेंगे कैसा, क्या आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। क्या इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो क्या एल निकालने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ एच और आर को लगा के, यस। तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और मैं रूट ले लूंगा तो एल का वैल्यू हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच मतलब हाइट ऑफ कोन, आर मतलब रेडियस ऑफ बेस, जो कोन का बेस होता है उसका रेडियस, और एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट। यहाँ पे हमेशा स्लैंट लाइट यूज होता है। एरिया ऑफ बेस ऑफ क्या होता है, अब मुझे बताओ कोन का जो बेस है वो क्या, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, अभी हमने पढ़ा कि अगर, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल है, और नीचे टोटल सरफेस एरिया में सर्कल का एरिया भी ऐड करना पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर और ऐड कर लो भाई, लो कर लिया। अब देखो कॉमन क्या निकल रहा है, इधर से पाई कॉमन निकल रहा है, हाँ जी निकाल दिया, इधर से एक आर कॉमन निकलेगा, निकल के अंदर बच जाएगा आर प्लस एल, ये हो गया मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो अगर आपको अभी तक भी याद नहीं, मैं बता देता तो हूँ, 1/3 पाई आर का क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। ध्यान रखना, समझ में आ गया आपको, आपको दिख रहा है ये पाई आर स्क्वायर एच एक तरीके का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है,
ये पाई आर स्क्वायर क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और आगे 1/3 लगाया। मतलब अगर कोई सिलेंडर आर रेडियस का है और एच हाइट का है, उसके अंदर हम तीन कोन डाल सकते हैं सेम रेडियस और सेम हाइट के, ये ध्यान रखना ठीक है। तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड आउट करना, क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 7128, आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन दे रखा है कितना, 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर, और आपको फाइंड करना है वॉल्यूम। और रेडियस आपको दे रखा है, बेस का रेडियस मतलब जो कोन के अंदर, देखो ये कोन है अपना, और कोन के बेस में जो बेस क्या होता है, सर्कल बना होता है, सर्कल का बेस होता है, इसका रेडियस आपको दे रखा है कितना, 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस में बोलूंगा दे रखा है 28 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम। कैसे करेंगे देखो, पहले वो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला लिखो। मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, हमने अभी पढ़ा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पता करो आपको क्या क्या दे रखा है। अगर आप देखोगे तो आपको रेडियस दे रखा है, आपको पाई का वैल्यू पता है, आपको यहाँ पे एच नहीं दे रखा है, और इस एच को फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का, उसका इस्तेमाल करके हम फाइंड कर देंगे क्या अपना एच फाइंड कर। अब देखो मुझे बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, आप सभी को पता अभी पढ़ा है पाई आर आर प्लस एल, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कितना दे रखा है 7128। अगर मैं इस टोटल सरफेस एरिया में और कोन में से सबसे पहले क्या निकाल दूंगा, सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर दूंगा एल। और लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए हमें क्या लगेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगता है ना, तो क्या लगता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अगर मुझे एक बार एल मिल जाता है, क्या ये फॉर्मूला लगा के क्या मैं एच का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, हाँ। तो सबसे पहले मैं क्या निकालने वाला हूँ यहाँ पे एल, एल निकालने के बाद मैं एच निकालूंगा, और एच निकालने के बाद मैं क्या निकालूंगा, वॉल्यूम निकालूंगा। तो चलो फटाफट इसका क्या करते हैं हम लोग, पहले एल निकाल देते हैं, चलो फटाफट एल निकाल देते हैं। देखो एल निकालने के लिए अभी हम क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान देना। देखो अब यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में 22/7, कर लो। रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस आपको 28 दे रखा है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 28, यहाँ पे भी कर देंगे 28, अंदर एल, और ये हो जाएगा आपका 7128। ये हो गया इतना काम, अब ध्यान देना। अब देखो ये 2 इधर 7 डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। उसी तरीके से ये 22 और ये 28 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा आपका 22 ना, सॉरी यहाँ पे आपको 22 लिखना, इस 2 बराबर, और इधर बच गया आपका ये ब्रैकेट के अंदर 28 प्लस L, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, फिगर आउट कर लो अच्छे से, तो आपको समझ जाएगा 7 1 जा 7 4 जा 28, ये हो गया। अब देखो इसको 22 से डिवाइड करके देखो, देखो होता है कि नहीं, 7 1 2 8 को बराबर किससे डिवाइड करना है, 22, 22 3 कितना होता है 66, अब 11 में से 6 गया तो कितना बचा 5, ऊपर आ गया 2, अब 22 2 कितना होता है 44, ये हो जाएगा आपका 8 और ये 0, अब ऊपर से 8 आ जाएगा, और 22 4 होता है 88, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल चुका है दिस 1 एंड दिस 3 24 324, और नीचे बच जाएगा 4, 4 से इसको डिवाइड कर लो, 4 से किससे डिवाइड कर लोगे, 4 से। अब आप सभी को पता है 4 1 4 8 32, करेक्ट है ना, 4 8 32 और 4 1 तो ये आ गया आपका 81। देखो 28 यहाँ पे प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और इधर आपका सिर्फ एल बच जाएगा, तो 11 में से 8 गया तो कितना बच गया 3, और 7 में से 2 गया तो कितना बच गया 5, तो L का वैल्यू आपको मिल चुका है 53, कितना मिल चुका है 53, समझ में आ गया आपको। तो ये L का वैल्यू लेकिन हमें लिखना पड़ेगा मीटर के अंदर, सिंपल है। अब L का वैल्यू 53 मिला, लेकिन हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें तो H निकालना है, तो L के मदद से H निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और ये वाला फॉर्मूला आप कैसे अप्लाई करेंगे, दैट इज L इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है बराबर। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब मुझे पता है एल स्क्वायर तो पता है, आर का वैल्यू भी पता है, आर को इधर लेके आ गया, इधर बच गया मेरा एच का स्क्वायर। अब मुझे बताओ एल का वैल्यू कितना आया, 53 का स्क्वायर करूंगा, आर का वैल्यू कितना था, आर का वैल्यू था मेरे हिसाब से, देख लो आपने एक बार आर का वैल्यू कितना था, ऊपर दे रखा है दैट इज 28, तो आर का वैल्यू हम लिख देंगे। ओके क्या लिख देंगे, 28 का स्क्वायर, और इधर बच जाएगा आपका एच स्क्वायर।
अब बताओ 53 का स्क्वायर क्या होगा, 53 × 53 कर देंगे 9, 15, 0, फिर से 15, 1 कैरी 26 हो जाएगा ये, तो 9, 0, 1 कैरी 7, 8 और ये 2, तो ये हो गया आपका 2809। और 28 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 28, 8 जा 64, 6 कैरी 8, 8 जा 8, 2 जा 16 और 6 हो जाएगा आपका 22, 16, 1 कैरी 4 और ये हो जाएगा आपका 5, तो 487 दैट इज 784। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2809 − 784 तो ये हो जाएगा आपका 5, 9 में से सॉरी 10 में से 8 गया तो 2 और 9 7 में से 7 गया तो 0 और ये बच जाएगा 2, ये हो गया आपका 2025 एंड सामने बच जाएगा आपका h का स्क्वायर। अब मुझे बताओ अभी दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब 2025 देखो 5 किसका, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और 20 आने के लिए किसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 4 को 5 से, तो ये 4 का हो जाएगा दैट इज 45 का, ये हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट 45। ध्यान रखना स्क्वायर रूट निकालने आना चाहिए आपको, ठीक है सीख लेना कैसे निकालना। तो ये हो गया 45 मीटर हाइट मिल गया, लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था वॉल्यूम, हमें क्या निकालना था वॉल्यूम, और हमने पढ़ रखा है कि वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 πr² का h, ये 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना था 28 का स्क्वायर और h का वैल्यू कितना था 45। समझ में आ गया, ये 1/3, 22/7, 28 का स्क्वायर 784 अभी हमने निकाला सीखा था और ये आ गया 45। अब बस सिंपली फटाफट 3 1 जा 3 1 जा 3 5 जा 15, इतना सिंपल तरीके से करना है। ये जो 7 1 जा 7 1 जा 7 1 जा 1 बचा 2 आ गया, अब ऊपर कितना बच गया 22, 1 1 2 और 15। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है और आपको कमेंट सेक्शन के अंदर वॉल्यूम बताना है क्यूब किसका, सिलेंडर का सॉरी कोन का, जो आपको यहाँ पे पूछा था, खतरनाक क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन है बहुत। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, एल निकाला, एल निकालने के बाद एच निकाला और एच निकालने के बाद हमने क्या निकाला, वॉल्यूम निकाला। तो ये सवाल 5 मार्क्स के आ सकता है, हमने वॉल्यूम पढ़ लिया, सिलेंडर पढ़ लिया और हमने क्यूबॉइड पढ़ लिया, क्यूब पढ़ लिया, अब हेमिस्फीयर और स्पीयर बाकी है। अगर आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करोगे तो हेमिस्फीयर और स्पीयर का भी IMP में लेके आ जाऊंगा और इस वीडियो के MCQ भी मैं लेके आ जाऊंगा इस चैप्टर के। तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और जितना क्वेश्चन मैंने अभी तक करवाया है एक बार आप उसको प्रैक्टिस कर लो। आप चाहो तो इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है मैं थोड़ा छोटा छोटा कर लेता हूँ, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट वेरी इजीली। ओके देखो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार सबको प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने एल निकाला आपने देख सकते हो, फिर हमने एच निकाला, फिर एच निकालने के बाद हमने क्या निकाला, हमने वॉल्यूम निकाला। तो इस तरीके से आप इसको करना, फिर पिछले वाले क्वेश्चन का भी आप फोटो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ आपके लिए, टेक इट स्क्रीनशॉट राइट नाउ। ये वाला क्वेश्चन का भी ले लो, ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन का भी ले लो, ये वाले का भी ले लो, ये वाले का भी ले लो, ले लो ले लो, ठीक है। और आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और क्रिस्टल कॉन्सेप्ट को बहुत भरपूर प्यार देना, क्योंकि हम 9th वालों के साथ में 10th स्टैंडर्ड में भी अच्छे से बने रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।